बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक यूनिक के दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें भी एक तारीखी मस्जिद की बात करूँगा। इस मस्जिद का नाम है नौवीं मस्जिद। यह मस्जिद 15वीं सदी की एक मस्जिद है, जो दिल्ली सल्तनत के लोदी ख़ानदान के दौरान तामीर की गई थी। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कदीम शहर लाहौर में वाक़या है। नौवीं मस्जिद, इसकी बुनियाद 25 फीट नीचे गलियों की सतह के लिए काबिल ज़िक्र है। ये मस्जिद लाहौर की मुग़ल दौर से पहले की चंद बाकी मांदा यादगारों में से एक होने के लिए मज़ीद मशहूर है। जहां लाहौर वसी पैमाने पर अपने मुग़ल दौर की यादगारों के लिए जाना जाता है, ख्याल किया जाता है कि नौवीं मस्जिद 1460 ईस्वी में लोदी ख़ानदान ने अपने पहले बादशाह बहलोल लोदी के दौरे हुकूमत में बनाई थी। इस ख़ानदान की बुनियाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुल्तान में रखी गई थी, हालांकि बानी पश्तूनों से तहल्लक रखते थे। ख़याल किया जाता है कि यह मस्जिद ज़ुल्फ़िकार ख़ान ने बनवाई थी, जो लाहौर के गवर्नर हयात खान के दौर में खिदमात अंजाम देते थे। बादशाही मस्जिद, सुनहरी मस्जिद और मरियम जमानी मस्जिद के बरक्स, जो सिखों के दौरे हुकूमत में बेहुरमती की गई थी, नौवीं मस्जिद में नहीं की गई। सिखों और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी इसकी ज़ाहरी शक्ल में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई थी। हालांकि 1900 की दिहाई के अव्वल में आने वाले जलजले के बाद इसके मीनारों को दोबारा तामीर करना पड़ा था। सड़क पर मस्जिद के दाखिली दरवाजे से ज़ाहरीन को मस्जिद के नमाज हाल तक रसाई के लिए सीढ़ी से उतरना पड़ता है। गली की सतह से नीचे मस्जिद की गैर मामूली बुनियाद लाहौर की दीगर मसाजिद के लिए गैर मामूली है। 20वीं सदी में दोबारा तामीर की गई थी और अब गली की सतह पर है। मस्जिद की नमाजगाह में तकरीबन 100 नमाजियों के बैठने की गुंजाइश है, और इसे तकरीबन यकसां साइज़ के 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से में लोदी तर्ज का एक छोटा गुम्बद है, साथ ही एक मेहराब भी है जो मस्जिद के मरकजी सेन में खुलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।